Ninja Ninja Ninja. गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड जय जिनेन्द्र टू ऑल। मैं आशा करता हूँ कि सबकी साता अच्छी होगी परिश्रम में तपस्या के दर तपस्या करते करते। अ वार्म वेलकम टू ऑल द गेस्ट एंड ऑल द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द न्यू रीजन विच ऑफ JCF विच वी आर गोइंग टू लॉन्च टुडे ऑफ द मालवा चैप्टर। आई रिकग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ CA कोचर सर शांतिलाल जी कोचर इपेक्स प्रेसिडेंट आर इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द CA इंस्टीट्यूट CA प्रफुल्ल छाजेड and all other directors, executive members, vice presidents, secretaries, joint secretaries, treasurers of the Malwa chapter. And all our guests from all over India who have joined us for this wonderful program. With this, I would like to call on screen Ms. Arshi Jain. Arshi Jain is a classical singer. She is from Ujjain and she has performed from, she is a part of the Sangeet Parishad. She has performed at multiple platforms across India. So I would like to call Arshi to please come on screen. Please unmute your mic and I would like to invite you to recite the Navkar Mantra, please. मैं Arshi Jain इंदौर से जय जिनेन मैं JCF के सभी मेंबर्स को ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए बधाई देती हूँ। अपना मंगलाचरण शुरू करने के पहले मैं गुरुदेव नायक सागर जी महाराज साहब जी को भी कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा हे ये जहाज जिसने हे ये जहाज जिसने लाखों को तारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा अरिहंतों को नमन हमारा अशुभ कर्म को हनन करे चीतों के तुम्हें रलती आत्मा तीर्थ क्षेत्र को गमन करे भव भव में नहीं ओ भव भव में नहीं आना दोबारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा आचार्यों के आचरण से निर्मल निज आचार करे उपाध्याय को करके नमन हम ज्ञान की ज्योति मन में धरे सर्व साध को ओ सर्व साध को नमन हमारा नव मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा हे ये जहाज जिसने लाखों को तारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोए सब साहुणं ये तो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सवे सिंह परमं हावै मंगलम् मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा जय जय खूब खूब धन्यवाद दर्शी जी बहुत सुंदर गीत आपने गा के नौकर मंत्र का स्मरण किया है सो रिस्पेक्टेड मेंबर्स नाउ वी विल गो अहेड विद द प्रोग्राम थैंक यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सीए दीप्ति जैन
to come on screen and give a brief background about the Malwa chapter, and she is going to also be appointed as the general secretary of the Malwa chapter today. So Dipti, over to you. Thank you, Vivek. वेबिनार में उपस्थित सभी गणमान्य चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो भी ज्वाइन हुए उन सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र. अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. यस, इट्स द विजन ऑफ गुरुदेव परम पूज्य नए पद्म सागर जी महाराज साहेब टू यूनाइट ऑल जैन अक्रॉस द वर्ल्ड बाय फॉलोइंग द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद. That means I am I, you are you, and I accept the other person as the way they are. The truth is always multifaceted. Satya ke kai drishtikon hote hain. It's the belief endorsed by our epic president, Shri Shantilal Ji Kochar Ji, who have been the source of motivation and inspiration for all of us. Pradeep Kapadia Ji, Amrit Porwal Ji, Puneet Mehta Ji, Virag Shah, Vidyut Ji Jain, Vivek Shah, and Yogen Jain, who believed in me, worked with me throughout the journey of formation of Jain Chartered Accountant Federation Malwa chapter. I came to Indore during lockdown. Though I'm born and brought up in Indore, but in professional terms, this city is new for me. I've been based in Mumbai from last 10 years, and my association with JCF is of 6 years. Jain Chartered Accountant ko sangathit karne ke और फेडरेशन को यहाँ खड़ा करने के लिए एपिक श्री कोचर जी साहब से चर्चा हुई. उनके प्रोत्साहन से मैंने यहाँ जैन समाज के वरिष्ठ सीए श्री नीरज जैन जी, राजेश मेहता जी, नरेंद्र भंडारी जी, राजेश सैलोट जी, मनीष डफरिया जी, पुखराज जी बंडी जी, अशोक खासगीवाल जी, समकित भंडारी जी एंड आनंद जैन जी से संपर्क किया और सकारात्मक पहल होते ही 21 जुलाई प्री लॉन्च ऑफ जेसीएफ का वेबिनार संपन्न किया. इस प्री लॉन्च प्रोग्राम के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मालवा चैप्टर के गठन की. पिछले 6 सालों से जेसीएफ इंदौर के गठन का प्रयास चल रहा था, किंतु किन्हीं कारणों से यह एक्टिव एक्शन प्लान में नहीं आ पा रहा था. बट इट्स वेल सेड दैट गुड लीडर्स क्रिएट लीडर्स. अंडर द गाइडेंस ऑफ राजेश सैलोट जी एंड हिज कोऑर्डिनेशन विद जेसीएफ मुंबई, JCF chapter ke gathan ki shuruaat hui. Earlier, JCF was restricted to Indore city only. But then we thought, let's not restrict to one city and expand our geographical boundaries and honor all the cities of Malwa. Now, Malwa is the largest JCF chapter in India, consisting of 14 major cities of Madhya Pradesh. Indore, Ujjain, Devas, Ratlam, Mandsaur, Jhabua, Neemuch, Shajapur, Shujalpur, Dhar, Rajgarh and Chhabra. Under the enabled leadership of Rajesh Sailot ji, formation of governing body, board of directors, life membership drive of JCF scaled up, and within short span of 15 days, JCF Malwa chapter is formed. We got 125 plus registered life members within 6 days, which is a landmark record in itself, and the number is still going on. Rigorous meetings, hundreds of calls, numerous conference calls among office bearers of Mumbai, Apex and CA from Malwa region, dozens of meetings, virtual meetings with committee members, 24/7 thought process and lots of sweat, hard work, tireless dedication, diligence have been put all together to make JCF Malwa a reality. I hereby recognize the efforts of every member who came up and worked for the formation of JCF Malwa. Ant mein ek Sanskrit ka shlok padhna chahungi. Udhyamen hi siddhyante karyani na cha manorathe supteshu sihasya na praveshti mrgha. Arthat jis prakar soye hue sih ke mukh mein swayam hiran pravesh nahi karta, usi tarah ichha matra se nahi अपितु मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम और लगन से ही कार्यों की सिद्धि होती है. धन्यवाद, धन्यवाद. Over to you, Vivek. Thank you so much, Dipti, for the wonderful introduction of the Malwa and the activities that you've done and the sweat that you put into make this live. I would now like to invite CA Pradeep Kapadia, President of JCF Mumbai, to brief us, brief all the members about the activities of JCAF. Pradeep bhai. Thank you, Vivek.
गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आदरणीय चेयरमैन डेजिग्नेट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड सीए अशोक काजबीवाल जी, एपेक्स प्रेसिडेंट एस के कोचर जी, अवर इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रफुल्ला जी छाजेड, एंड द जेसीएफ मालवा चैप्टर प्रेसिडेंट डेजिग्नेट सीए अशोक राजेश जी सलोट, और मालवा चैप्टर के सभी मेरे सहधर्मी भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम और जय जिनेन्द्र। आप सभी को पहले भक्ति आराधना एवं आत्मकल्याण के महापर्व पर्युषण की हार्दिक शुभकामना। टुडे आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी विथ यू ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ ओथ सेरेमनी ऑफ जेसीएफ मालवा चैप्टर। आई हैड बीन अ विटनेस टू योर एक्सलेंट प्री लॉन्च सेरेमनी। लेट मी टेल यू, अ वेरी एक्सलेंटली मैनेज मीटिंग इट वॉज, एंड एट दैट टाइम आई हैड स्पोकन अबाउट JCF activity, but today I think we have nearly more than 106 people at present. So I think I will briefly describe the activities of JCF again. Let me tell you, joining any voluntary organization is voluntary, but once if you join that organization, then there has to be a total commitment. You have to surrender to the plans and policies of whatever your chapter has given it to you. There has to be a total commitment. So I think prior to your taking the oath ceremony, I think that is to be in your mind and in your heart. So today, with the vision and the blessing of Guruji Param Pujya Nai Padma Sagar Maharaj Sahib, we have enrolled nearly more than 1,200 plus live members, and with now Malwa chapter joining and becoming the part of JCF, I am sure we will all touch 1,500 plus life members. And that, I think this is the vision of our Guruji, that we want to connect total Indian chartered, all Jain chartered accountants who are around India. And we will, I'm sure, we will definitely do it. And this pious movement is gaining strength day by day. We have already got Pune branch, we have chapter, we have Jalgaon, we have Akola. And after Pajushan, we are going to have Ahmednagar, Ahmedabad, Baroda, Surat, and I think a lot and lot more to come. Main to yahi kahunga, hum akele hi chale the, jaane be manzil, magar log judte gaye, aur ye karwa banta gaya. And this karwa has now really gained so much, let me tell you. And let me come to briefly explain you all the activities that JCF has been doing it. It's round the clock, let me tell you, 24/7. There are some or the other activities going on, and I think COVID has been a blessing in disguise to JCF, because so many chapters also have now joined, and people have now started getting knowledge of what JCF is doing. So I will just briefly explain to you what we are doing. We are doing all activities that are to upgrade and keep our members professionally updated. And we have webinars, we have seminars, we have workshops, we have lecture meetings, we have whatnot. We have the faculty development program. And let me tell you, we have successfully completed 20 JCF, Tea Time with JCF programs. I think Dipti was also one of the person who had been involved into it. And I think one of Ayushi Jain or someone had from Malwa chapter has also been one of the speaker. Dipti, I don't know, I forgot the name. Was it who talked Divya about Jain, Divya Jain. Divya Jain. Divya Jain. Yeah, yeah. And she from was from Ratlam. We had 4 weeks in a row. We had JCF Tea Time with JCF. This is what we are doing it. We create fresh professional opportunities for our members. We have tied up with Ras Al Khaimah UAE, and it is UAE based company with Yes Securities, and also we have the loan Mudra loan scheme by which our members can earn professionally. And even the startup I think initiative that has been taken up, I think if we have to now work on that also. Our core area is networking. That is what network to network, yes, that is what is our motto. We have networking with doctors, we have advocates, we have business, because we have the chapters of all this Jain Doctors Federation, we have Jain Advocate Federation, we have Jain Businessman, and we have also sharing jobs and freelancing opportunity through our job portal. And we are now working on, I think, an initiative which is a vision of our Prime Minister and of our Guruji,
that is the big Indian firm, similar to Big Four, and that would be a huge bonus to our members. And we are now, even Guruji wants us that we chartered accountants should also get involved into bulk buying opportunities. Yes, if we, and we have witnessed our parent body has really done the Mercedes tie up with Mercedes-Benz, and we have got nearly a huge discount of more than 25 lakh rupees on Mercedes cars. And that is what now Guruji wants. We should take up this momentum and go further and have this bulk buying. And we are not only restricted to education. We do a lot of charity work also. In COVID period, we did a lot of activities. We also do a felicitation program of our newly passed chartered accountants. Also felicitations of Tapaswi. We do get together program. We have annual Tirth Yatra program. Also, we have spiritual discourses. Yes, we have now started for Pajushan also. Yesterday was the first day. Today is the second day. I think people should take the advantage of it because it's at the late night, 8:30 onwards. So I hope you will take the advantage of that also. And so I say the activities, I always say that activities never stop at JCF, but I think I will have to stop. So all the best to JCF, Malwa chapter, Om Aram. Thank you very much. Thank you very much, Pradeep bhai, for the wonderful description of activities that you've done. And as you always say that, you know, activities never stop, but probably you will have to stop. So on a lighter note, let's move forward with the program, and let's now invite the president of Apex JCAF, Apex CA, Sri Shanti Lalji Kocher, the guiding light for all of us, and a wonderful person, a visionary who has a vision to expand JCAF all over India. So over to you, Kocher sir. Jai Jinan to everyone. सबसे पहले गुरुदेव न्यायपरम सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आरसी जैन का जिसने नौकार मंत्र का उच्चारण किया बहुत ही सुंदर तरीके से, प्रदीप कापड़िया का जिन्होंने अपने एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, और आज जो इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास्ट प्रेसिडेंट, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट प्रफुल्ल जी चाचेट यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, और मालवा चैप्टर के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ उनको कि आज उनका सपना पूरा होने जा रहा है जो पिछले 6 वर्षों से इन्होंने देखा था वो आज पूरा हो रहा है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसे माय प्रिविलेज टू स्टार्ट दिस चैप्टर अंडर माय प्रेसिडेंटशिप एज ए अपेक्स प्रेसिडेंट, और जो नए चैप्टर का जो शुभारंभ हो रहा है उसके पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो अपेक्स के बारे में, चैप्टर के बारे में, उनके ऑफिस बैरर्स के बारे में, जो है वो आपके जेसीएफ के बारे में आपको मैं बता दूँ क्या अपेक्स बॉडी जो है वो ऑल इंडिया के सभी मेंबर्स के चैप्टर के सदस्यों के द्वारा गठित की जाएगी, और अपेक्स को 5 रीजन में बांटा गया है, जैसा इंस्टीट्यूट के 5 रीजन है वैसे ही अपेक्स के भी 5 रीजन होंगे, और हर रीजन के अंदर 3 से 4 चैप्टर का एक जोन बनाया जाएगा जो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, और हर रीजन के और रीजन से फिर अपेक्स में वो जुड़ेंगे, और हर चैप्टर से 1, 2, 3 मेंबर्स लिए जाएंगे जो अपेक्स बॉडी के अंदर अपना सेवा देंगे। इस प्रकार से अपेक्स का गठन होगा। और जहाँ तक चैप्टर का सवाल है तो चैप्टर अलग अलग अपने अपने एरिया के अंदर इंडिपेंडेंट चैप्टर्स होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन भी आप लोग कराएंगे, और एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो फीस आप लोगों ने 1,000 रुपया 1,100 रुपया दिया है उसमें से 1,000 रुपया आप लोगों को वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो आपके कॉर्पस में जाएगा, और उससे उसके ब्याज से आपको जो भी एक्टिविटीज़ है उसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो कार्यविधि है उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जो एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा जो अपेक्स बॉडी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में सभी कार्य करने हैं।
और जो एरिया के जो और अपने अपने एरिया में जो आपको एरिया चैप्टर के द्वारा सुझाया जाएगा कि जैसे अभी ये मालवा चैप्टर में है कि मालवा एरिया के जितने भी सदस्य जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपके चैप्टर में मेंबर बन सकते हैं, और कभी कोई बाहर से कोई ट्रांसफर होके आता है तो वो भी आपके चैप्टर में मेंबर बन सकता है, या आपके मेंबर में से अगर किसी को किसी कारणवश बाहर दूसरे चैप्टर में जाना रहता है तो वो वहाँ का मेंबर ऑटोमेटिक बन सकता है। इस प्रकार इसकी कार्रवाई चालू रहती है। और जहाँ तक ऑफिस बेरर का सवाल है तो इनका टर्म हमेशा 2 साल का रहेगा, 2 साल के बाद में नई टीम आएगी, और किसी भी कंडीशन में किसी भी कारणवश कोई भी ऑफिस बेरर 4 साल से ज़्यादा एक चैप्टर के अंदर कंटिन्यूसली नहीं रह सकेगा, 4 साल के बाद में उसको उस ऑफिस बेरर पोस्ट से निकलना ही होगा। ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि नए नए लोगों को भी चांस मिले और सभी को चांस मिले और अपने कार्य को आगे अच्छे से चलता रहे। और जो भी अपेक्स के तरफ से जो रूल्स एंड गाइडेंस आएगा उसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि अपने को एक रिपोर्ट तैयार करके भेजनी है कि भाई हमारे कितने मेंबर हो गए हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, ताकि दूसरे लोगों को भी उसका फ़ायदा हो और अपेक्स के पास में भी एक पूरी इंफॉर्मेशन हो कि क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों दूसरे चैप्टर को भी उसका फ़ायदा मिल सके। और आज जो चैप्टर चालू होगा उसके बाद में चैप्टर को एक चार्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा जिसका एक प्रूफ होगा कि भाई ये चैप्टर ऑफिशियली आज से चालू हो गया है। और जो भी मेंबर आज चैप्टर चालू होने के पहले जो भी मेंबर आज इससे लाइफ मेंबर बन चुके हैं वो चैप्टर के चार्टर मेंबर कहलाएंगे, जिनको चैप्टर की ओर से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और जो बाद में भी उसकी वैल्यू रहेगी कि जब ये 5 साल 10 साल 15 साल के बाद में हमको एक प्राउड फील होगा कि भाई हम ये इसके फाउंडर मेंबर हैं, चार्टर मेंबर हैं, जो संस्था जितनी आगे बढ़ेगी उतना हमें एक प्राउड फील होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी लाइफ मेंबरशिप सिर्फ 1100 रुपया है, जो आप सभी लोगों को कैनवास करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें मेंबर बनाएं, ताकि एक फेलोशिप भी हो, कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं तो उसके अंदर एक अच्छी अटेंडेंस भी रह सके, उसके लिए हम लोग पूरे कोशिश करेंगे। और एक जो अपना JCF का जो लोगो है जो आपने देखा होगा वो एक अपना ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में रजिस्टर्ड है, इसको यूज करने के राइट सिर्फ जो ऑथराइज चैप्टर होंगे, जो ऑथराइज मेंबर है, जो लाइफ मेंबर चैप्टर के होंगे उन्हीं को यूज करने का एक पावर होगा, अगर उसका अनऑथराइज कोई भी उसका यूज नहीं कर सकेगा। अगर कोई मेंबर छोड़ के चला जाता है तो वो उसको यूज करने का पावर नहीं रहेगा। इस प्रकार हमारी जो एक्टिविटीज रहेगी, और जैसा कि आपने प्रदीप कपड़े ने आपको बताया कि काफ़ी एक्टिविटी बॉम्बे चैप्टर करती है, उसी प्रकार से आप लोग भी अपने एरिया में एक्टिविटीज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में कोई भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट भी आप अपना कर सकते हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्ट जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमने रखा है कि भाई जो सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द मेंबर्स, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कम्युनिटी वेलफेयर, प्रैक्टिस ऑफ कंपेशन, ग्लोबल कनेक्टिविटीज ऑफ CS, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग को इस दायरे में रहकर कोई भी कार्यक्रम है वो करना है, ताकि समाज के सभी वर्ग को इससे फायदा मिले और हम लोग को भी इसमें नाम होवे, संस्था का नाम होवे और समाज में अपना एक बेनिफिट मिले। और जो जहाँ तक मेंबर्स का बेनिफिट का सवाल है तो उससे नेटवर्किंग होता है, एक CA का नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंज या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी होती है, जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं नेटवर्किंग होती है। जब भी अगर मेरे को बॉम्बे से के अलावा बाहर में इंदौर में या मालवा में या कहीं पे भी अगर मेरे को किसी काम के लिए कोई प्रोफेशनल आदमी चाहिए तो मैं इमीडिएटली आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। इसी प्रकार आप बॉम्बे में आपको किसी से काम है तो आप हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार का नेटवर्किंग एक दूसरे के लिए हेल्प होता है। और इंटरेक्शन विद द प्रोफेशनल स्टालवर्ट, जैसा कि आपने देखा होगा अभी पिछले 15 दिनों से जो इंदौर मालवा चैप्टर में
जो गतिविधि चल रही है आपस में, उसके अंदर एक दूसरे से मिलने का जो सौभाग्य आपस में मिलता है, ताकि एक वो कनेक्टिविटी मिलती है, कैसा जो एक हमारे को हिच होती है जूनियर मेंबर को कि भाई सीनियर मेंबर से हम कैसे मिले। लेकिन जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जब भी हम कोई भी कमेटी में मीटिंग में आते हैं, तो आपस में मिलने से हमारे को उसका एक जो फियरनेस है वो निकल जाता है। हम कभी भी किसी भी सीनियर मेंबर से कभी भी बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, जो इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा गाइडेंस के अंदर भी यंग मेंबर्स को अब सीनियर मेंबर्स का गाइडेंस मिल सकता है, ताकि वो जो नए मेंबर जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको भी उसका बहुत बहुत फायदा मिले। इस प्रकार का ये बेनिफिट इसके हमारे जो चैप्टर्स के हैं। इसके अलावा गुरुदेव का जो उद्देश्य है कि भाई एक हमारे को जो नया एक कार्यक्रम और चालू करना है कि मैट्रिमोनियल का, क्योंकि आज हमारे समाज में लड़के लड़कियों का संबंध होना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल एक सिंगल फैमिली होने के कारण हमारे को ये पता नहीं चलता है कि भाई कहाँ पे लड़के अवेलेबल है, कहाँ लड़कियाँ अवेलेबल है। तो अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे अगर आते हैं तो उसका भी हमें एक बेनिफिट मिलेगा। और ये गुरुदेव का एक सपना है कि भाई हम एक मैट्रिमोनियल का प्लेटफॉर्म चालू करना चाहिए, और अपेक्स की तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि एक प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द चालू हो। बाकी तो जैसा प्रदीप ने बताया बल्ब बैंक का है, या और भी जो एक्टिविटीज़ है वो हम लोगों को चालू रखनी है। और भी इसके अलावा आप लोगों के पास में कोई सुझाव हो, कोई भी एक्टिविटीज़ हो जो भी है, तो आप लोग कर सकते हैं और हमें भी बताएंगे, तो हम दूसरे चैप्टर में भी उसको चालू कर सकते हैं। इसी के साथ में आज की जो नई टीम शपथ विधि लेने वाली है, उन सभी को हमारे अपेक्स मालवा चैप्टर के चेयरमैन श्री खासगीवाल अशोक जी खासगीवाल, प्रेसिडेंट राजेश सहलोत, सेक्रेटरी दीप्ति जैन, और ट्रेजरर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमेटी मेंबर, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ये इंटरेस्ट लेकर इस चैप्टर में ज्वाइन किया, इस मूवमेंट को आपने स्वीकारा और इसको आगे बढ़ाने के लिए एक जवाबदारी ली है। उस सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही हम लोग चाहते हैं कि और भी एरिया में जो चैप्टर चालू करना है, तो वहां पर भी अगर आपके कॉन्टेक्ट हैं, किसी को भी इंटरेस्ट हो तो आप लोग जरूर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ताकि हम लोग और नए नए चैप्टर दूसरी जगह भी चालू कर सके, ताकि गुरुदेव के सपने को जितने जल्दी हो सके हमें उनके साकार करने हैं। और गुरुदेव भी अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, उस समय हम शपथ विधि करेंगे। उसके पहले मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और विवेक से अनुरोध करता हूं कि आगे की कार्रवाई करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, सो मूविंग फॉरवर्ड विद द प्रोग्राम दैट द शेड्यूल दैट वी हैव, सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की ओथ सेरेमनी कर लेते हैं। सर, सो आप यू एडमिनिस्टर द ओथ फॉर दैट। एक गुरुदेव आ रहे, कुछ कांटेक्ट हुआ है क्या? नहीं सर, प्रफुल्ल जी इज देयर, लेट आई हैव टू वर्ड्स फ्रॉम हिम। यस, श्योरली श्योरली श्योरली, कैन हैव प्रफुल्ल जी, प्रफुल्ल भाई से बात, ब्लेसिंग फ्रॉम। यस सर, प्रफुल्ल जी, हेलो। यस सर, हेलो। मैंने बस प्री लॉन्चिंग में बात कर लिया था। सबको जय जिनेंद्र, बड़ी खुशी की बात है। जो एक्टिविटी हम लोग अभी मुंबई में और थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड इसमें महाराष्ट्र में कर रहे थे, आज ऑफिशियली सारे ऑफिस बेयरर्स अपने आप को कमिट कर रहे हैं और ये सारी एक्टिविटीज अभी मध्य प्रदेश की तरफ अपन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों का कमिटमेंट है। जो टीम का मैंने नाम पढ़े वो सब अपने आप में काफी कमिटेड लोग है, उनमें से कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। बस मेरी बेस्ट विशेष है और ये कार्य को जितना भी सहयोग लगेगा मेरी तरफ से मैं हमेशा तैयार रहूंगा। थैंक यू सो मच, जय जगन्नाथ। थैंक यू वेरी मच सर। गुरुदेव फोन नहीं उठा रहे हैं, आज ज्वाइन होना चाहिए कभी भी जब तक हम शपथ विधि को चालू करें। यस श्योर सर। सो टू बिगिन विद द ओथ टेकिंग सेरेमनी, मे आई रिक्वेस्ट ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द मालवा रीजन, मैं उनके सबके नाम एक बार अनाउंस कर लेता हूँ, आप प्लीज अपने
कैमरा चालू करके माइक को अनम्यूट कीजिए. एंड मीनवाइल दूसरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं सबको अभी म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई अनम्यूट ना हो, और सिर्फ जिनको बोलना है वही अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को. आई विल जस्ट म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स. ऑल राइट, मे आई रिक्वेस्ट सीए संदीप जैन जी, सीए दिनेश जैन जी मंदसौर जी, सीए विनोद जैन जी फ्रॉम नीमच, सीए प्रतीक गेल्डा जी, सीए नीलेश कोठारी जी, सीए शालिनी मेहता जी, सीए राशि जैन उज्जैन से, सीए नीलेश हिंगड़ जी, सीए अक्षय विजयवत जी, सीए यश जैन जी, सीए दीपम बोहरा जी, सीए अपूर्व कंसल जी और सीए साहिल रखेजा जी. प्लीज अपने वेबकैम चालू कीजिए और माइक को अनम्यूट कीजिए. यू हैव द पावर टू अनम्यूट योर माइक. एंड कोचर सर विल एडमिनिस्टर द ओथ फॉर ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द मालवा रीजन. बहुत बहुत धन्यवाद विवेक. अभी मैं अपने जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं कमेटी के, बोर्ड ऑफ गवर्निंग बोर्ड के, उनकी शपथ विधि के लिए ये कार्यक्रम चालू कर रहा हूँ. सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जितने भी अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं उनकी जवाबदारी है कि वो अपने बोर्ड मेंबर, जब भी बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें सभी मेंबर को पार्टिसिपेट करे, उनको बोर्ड को असिस्ट करे, और मीटिंग में जो भी डिसीजन होता है, जो भी कार्रवाई होती है, उसको पूरा करने के लिए बोर्ड को सहायक करें उस ड्यूटी को. और कोई भी ड्यूटी अगर प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी की तरफ से दी जाती है वो उसको अपनी पूरी कोशिश के साथ में उसको पूरा करने की कोशिश करें. ये एक जवाबदारी कमेटी मेंबर्स की होती है. तो मैं एक पूछना चाहता हूँ सभी कमेटी मेंबर्स के लिए को, ये सब आपको मंजूर है? यस सर. यस सर. थैंक यू. अभी हम एक शपथ विधि लेंगे. शपथ विधि का एक पत्र आपके पास में होगा, मैं बोलते जाता हूँ, आप अपना नाम के साथ में बोल के और ये शपथ विधि हम आगे बढ़ाएंगे. तो मैं चालू कर रहा हूँ. मैं प्रभु का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव सदस्य के रूप में सेवा आर्थिक उत्कर्ष सामाजिक उत्थान एवं आध्यात्मिक स्वयं को समर्पित करते हुए निष्ठा पूर्वक कार्य करता रहूंगा या तथा संस्था के मार्गदर्शक पूज्य गुरुवंत गुरु भगवान श्रद्धा पूर्वक पालन करता रहूंगा. मेरा संपूर्ण कार्यकाल जिन शासन एवं धर्म संस्कृति के लिए समर्पित रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू वेरी मच. आई विल अगेन म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स ताकि कोई क्रॉस में आवाज ना आए, तो मैं सबको म्यूट करता हूँ. अब मूविंग फॉरवर्ड वी विल नाउ रिक्वेस्ट द सेक्रेटरी, ऑल द सेक्रेटरीज एंड द जॉइंट ट्रेजरर टू प्लीज कम ऑन स्क्रीन. आई विल जस्ट अनाउंस देयर नेम्स. सीए आनंद जैन जी, सीए शरद जैन जी, सीए शीतल जैन जी और सीए पुष्कर जैन जी. मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज अपने स्क्रीन पे आइए, वेबकैम चालू कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए और कोचर सर आपकी ओथ एडमिनिस्टर करेंगे. सर आपका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा. सर आपका माइक अनम्यूट कीजिए कोचर साहब. थैंक यू. अभी सेक्रेटरी और जॉइंट ट्रेजर का जो जवाबदारी है वो मैं आपको, सेक्रेटरी का जवाबदारी है कि वो अपने जनरल सेक्रेटरी के काम के अंदर सहायक रहें, उनकी सहायता करें, जो भी काम में आपको सौंपा जाए वो काम आप उसको श्रद्धापूर्वक पूरा करें
ट्रेजर का काम है कि भाई जो मेन ट्रेजर है उनके साथ में मिलकर जो अकाउंट्स का काम है, जो हिसाब किताब है, पैसा लेना है देना है, तो सब की जवाबदारी ट्रेजर के साथ में है, उनका सहयोग करते हुए इसकी अपनी जवाबदारी को पूरा करें, इस प्रकार की इनकी जवाबदारी होती है। तो क्या आप सभी लोग इससे समर्थ हैं? जी यस सर। जी सर। यस सर। हम शपथ विधि चालू करते हैं। जी सर। मैं आनंद जैन, शरद जैन, तीर्थंकर पुष्कर करते हुए, तीर्थंकर करते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन के मालवा चैप्टर के कमेटी मेंबर्स के रूप में सेवा, आर्थिक उत्कर्ष, सामाजिक उत्थान, एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए निष्ठापूर्वक कार्य करता रहूंगा। संस्था के मार्गदर्शक पूज्य गुरु भगवंत मेरा संपूर्ण कार्यकाल जिन शासन एवं धर्म संस्कृति के लिए समर्पित होगा शपथ विधि पूरी भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द मेंबर्स हु हैव जस्ट टेकन द ओथ। आई विल अगेन म्यूट एवरीवन एंड कोचर सर आल्सो आपको अनम्यूट एक बार करना होगा जब अपने नेक्स्ट चालू करेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड रिस्पेक्टेड मेंबर्स, नाउ वी वुड आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्क्रीन ऑल द वाइस प्रेसिडेंट्स। मैं उनके नाम एक बार ले लेता हूँ। राजेश मेहता जी, नीरज जैन जी, चर्चिल जैन जी, प्रमोद नाहर जी रतलाम से, संकित भंडारी जी, मैं सभी वाइस प्रेसिडेंट्स और अपने जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है श्री नरेंद्र भंडारी जी, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज अपने वेबकैम चालू कीजिए और माइक को अनम्यूट कीजिए। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दूं कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यक्रम होता है कि अपने प्रेसिडेंट का सहयोग करें, उनके हाथ उनकी जो भी पॉलिसी होवे उसको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करें, जो भी जवाबदारी आप लोग को दी जाती है उसका संपूर्ण रूप से उसका पालन करें और कोशिश ये रहे कि भी हमारी संस्था का नाम कैसे आगे से आगे बढ़े, कैसे उसके लिए जो भी आपके सुझाव होवे वो आप अपने प्रेसिडेंट को देवे और जो भी प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेते हैं वो उनका एक फाइनल डिसीजन होता है जिसके लिए आप अपना सहयोग करते हैं और कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कि संस्था के अंदर कोई मनमुटाव होवे, कोई डिस्प्यूट होवे जिससे संस्था को या संस्था के सदस्यों को कोई नुकसान होवे। इस प्रकार के कोई भी कार्य न करते हुए जहाँ तक जितना हो सकता है हमें सहयोग करके इस संस्था को अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, संस्था के नाम को आगे बढ़ाना है, इसी प्रकार की अपने को गतिविधियां करनी है। क्या आप सभी लोगों को मंजूर है? मंजूर है। मेरे को लगता है आज भोजन में लेट हो रहा है तो आवाज नहीं आ रही है वाइस प्रेसिडेंट को। मंजूर है। अभी शपथ विधि चालू करते हैं। मैं राजेश मेहता, तीर्थंकर प्रभु का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन के मालवा चैप्टर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में
वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवा आर्थिक उत्कर्ष सेवा आर्थिक उत्कर्ष सामाजिक उत्थान एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सामाजिक उन्नति के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए निष्ठापूर्वक कार्य करता रहूंगा तथा संस्था के मार्गदर्शक पूज्य गुरुवंत गुरु भगवंत के निर्देशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता रहूंगा मेरा संपूर्ण कार्यकाल जिन शासन एवं धर्म संस्कृति के लिए समर्पित रहेगा ये संपूर्ण हुआ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद सर धन्यवाद सर जय जिनेंद्र धन्यवाद केवल डायरेक्टर्स may I now request all the directors मैं सबको वापस एक बार म्यूट कर देता हूँ may I request all the board of directors to please come on screen Ashok Khashgiwala ji Swapnil Kothari ji Ashok ji sorry Ashok ji baad mein aayenge right Swapnil Kothari ji Manish Dafaria ji Vikas Jain ji Pukhraj Bandi ji aur Subhash Jain ji मैं सभी डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ विनती करता हूँ कि आप प्लीज स्क्रीन पर आइए कोचर जी विल एडमिनिस्टर योर रोल कोचर जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू जय जिनेंद्र हमारे जीसीएफ के अंदर जेज संस्था के अंदर डायरेक्टर्स की पोस्ट एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है और जिसमें हम लोग ज्यादातर सब सीनियर्स मेंबर जो हमारे प्रोफेशन में सीनियर मेंबर्स है उनको ही डायरेक्टरशिप देते हैं और उनकी जवाबदारी होती है कि जो भी हमारा चैप्टर है उसका सुचारू रूप से कार्यक्रम चलता रहे उनको समय समय पर गाइडेंस देवे समय समय पर उनको जो हेल्प करें और जो हमारे ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से हमारा चैप्टर गवर्निंग बोर्ड के थ्रू चलता रहे ये एक सुपरविजन की हमारी जवाबदारी होती है कि डे टू डे काम हमें नहीं करना है लेकिन जो भी कार्यक्रम हमारे गवर्निंग बोर्ड कर रहे हैं वो सही सरल तरीके से कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं नाम रोशन कर रहे हैं ये सब जवाबदारी देखने की और उनको गाइडेंस देने की या कभी कोई तकलीफ है चाहे फाइनेंशियल तकलीफ हो या और भी कोई दूसरी तकलीफ हो उसका एक निपटारा करने का ये दायित्व तो हमारे रहता है तो और इससे आप सभी लोग इस दायित्व को लेने के लिए तैयार हैं तैयार है जी सर बहुत धन्यवाद और अभी शपथ विधि चालू करते हैं मैं मनीष डपरिया मैं स्वप्निल कोठारी सुभाष जैन तीर्थंकर प्रभु का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन के डायरेक्टर के रूप में सेवा आर्थिक उत्कर्ष सामाजिक उत्थान एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सामाजिक उत्थान एवं आध्यात्मिक महत्व के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए निष्ठापूर्वक कार्य करता रहूंगा स्वयं को समर्पित करते हुए निष्ठापूर्वक कार्य करता रहूंगा तथा संस्था के मार्गदर्शक पूज्य गुरु भगवंत के निर्देशों का संस्था के मार्गदर्शक पूज्य गुरु भगवंतों के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक पालन करता रहूंगा मेरा संपूर्ण कार्यकाल जिन शासन एवं धर्म संस्कृति के लिए समर्पित रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत बधाई आपको एज ए डायरेक्टर्स के रूप में आपकी शपथ विधि पूरी हुई और उम्मीद करता हूँ आप लोग सेवा कार्य में करेंगे Congratulations to all the directors. We now move forward and I would like to request the treasurer to please come on screen.
द ट्रेजरर फॉर JCF मालवा चैप्टर इज ये अतुल जैन जी. अतुल जैन जी प्लीज स्क्रीन पे आइए आपकी शपथ विधि के लिए. हेलो जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र, आपको ट्रेजर के रूप में जवाबदारी दी गई है और मैं आपको बता दूं कि ट्रेजर के लिए कि आपकी जवाबदारी होगी कि जो भी ट्रस्ट का फंड है, जो भी संस्था का फंड है, उसका पूरा लेखा जोखा अपने पास में रखना है. जिनसे भी डोनेशन आता है उनको रिसीट इशू करना है, उनका अकाउंट्स पूरा समय समय पर बना के रखना है. बोर्ड की मीटिंग जब भी होती है तो उसमें 3 महीने में या 6 महीने में अकाउंट्स पुटअप करके और बोर्ड को उसकी जानकारी देने की कोशिश करें और साल के अंत में उसका अकाउंट्स पूरा ब्यौरा बनाकर और बोर्ड का अप्रूवल लेके उसका ऑडिट करा के और सभी मेंबर्स को उसका सर्कुलेशन करें. ये सब जवाबदारी आपकी रहेगी. इसके अलावा जो भी बोर्ड का डिसीजन होता है कि जहाँ पे भी हमको प्रोजेक्ट के लिए खर्चा करना है, जो भी ऑथराइज्ड एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट भी करने का आपकी जवाबदारी होती है. ये सब और जो भी अकाउंट्स है उसको एक अपेक्स बॉडी को भी साल में एक बार अकाउंट्स का ऑडिट होने के बाद में भेजने की भी आपकी जवाबदारी होती है. जो आप डायरेक्ट भेज सकते हैं या सेक्रेटरी के मार्फत उसको अकाउंट साल में एक बार ऑडिट होने के बाद में उसको जरूर भेजने की कोशिश करें. ये सब जवाबदारी आपकी रहेगी. क्या आपको ये सब मंजूर है? जी मंजूर है. धन्यवाद. अभी शपथ चालू करते हैं. मैं अतुल जैन तीर्थंकर प्रभु का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन के ट्रेजर के रूप में सेवा आर्थिक उत्कर्ष सामाजिक उत्थान एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए निष्ठापूर्वक कार्य करता रहूंगा तथा संस्था के मार्गदर्शक पूज गुरु भगवंत के निर्देशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता रहूंगा. मेरा संपूर्ण कालकाल जिन शासन एवं धर्म संस्कृति के लिए समर्पित होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. आपको बहुत बहुत बधाई. धन्यवाद. आप स्थापित किए जाते हैं. Congratulations. Now we move forward. May I request Deepti Jain, the General Secretary designate, to please come on the screen. Can somebody contact Gurudev? Jai Jinendra. Just a minute. All right, sir. Sir, you please administer those. I will try and get someone. Okay. So I have tried, but he is not picked up. Jai Jinendra, Deepti. Sir. You have been nominated as a General Secretary. Thank you. और General Secretary की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है और पूरी संस्था का पूरा लेखा जोखा, पूरी जो जवाबदारी है वो सब General Secretary के कंधों पे होती है. और मुझे पता है कि तुम्हारा कंधा इतना मजबूत है कि तुम इस जवाबदारी को अच्छे से संभाल सकोगी. और जो छोटे ब्रीफ में मैं आपको जनरल सेक्रेटरी के दायित्व बता दूं कि अपने इसे इफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए डे टू डे का जो भी अफेयर्स होता है उसका एक रिकॉर्डिंग करना, उसके मिनट्स बनाकर रखना और उसके जो भी डिसीजन होता है उसको संपूर्ण करने के लिए अपने किसी भी सदस्य का की सहायता लेना और उस प्रोजेक्ट को पूरा करना, ये सब आपकी जवाबदारी रहेगी. प्रेसिडेंट का जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, वो बोर्ड का भी जो भी डिसीजन होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डिसीजन होगा वो सब आपको पूरा करने की जवाबदारी आपकी रहती है. इसके अलावा जो भी मीटिंग बुलानी है, समय समय पर मीटिंग बुलानी है, वो भी जवाबदारी आपकी रहेगी. मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन होता है उसका मीटिंग करना, समय समय पर उसको करना. उसके अलावा साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट ड्राफ्ट करना, उसको मेम्बर्स को भेजना और बोर्ड का पास करवा के और सभी मेम्बर को इन्फॉर्म करना कि हमने साल भर में क्या क्या एक्टिविटीज़ की है, उसका एक रिपोर्ट बनाकर एक अपेक्स को भी भेजना और वहाँ पर और समय समय पर जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी एक्टिविटीज होती है उसका अपेक्स के कोऑर्डिनेट करके अपेक्स को भी उसकी रिपोर्ट भेजना, ये सब जवाबदारी तुम्हारी रहेगी. इसके अलावा जो भी मेंबर्स है उनकी लिस्ट तैयार रखना
कि कितने हमारे लाइव मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, वो सब की जवाब रिकॉर्ड रखना और अपेक्स से हमेशा कोऑर्डिनेट करना, ये सब जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। क्या तुम इस जवाबदारी को लेने के लिए तैयार हो? जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। यस सर, अभी शपथ विधि चालू करते हैं। मैं तीर्थंकर प्रभु का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रतिज्ञा करती हूँ कि उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन के मुख्य सचिव के रूप में सेवा आर्थिक उत्कर्ष सामाजिक उत्थान एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए निष्ठापूर्वक कार्य करती रहूंगी तथा संस्था के मार्गदर्शक पूज्य गुरु भगवंत के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक पालन करती रहूंगी मेरा संपूर्ण कार्यकाल जिन शासन एवं धर्म संस्कृति के लिए समर्पित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र एंड थैंक यू वेरी मच दीप्ति, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। As we move forward now, just a small announcement, correction which I would like to make. CA Sheetal Jain, वो joint secretary है, ना कि treasurer। मेरे announcement में एक गलती हो गई थी, so I stand corrected. And apart from that, now we go ahead and now we have the president's oath. Guruji किसी कारण से join नहीं कर पाए हैं, ना ही उनका contact हो पाया है. So Kochar ji, please advise how shall we move forward. एक बार मैं भी try कर लेता हूँ फिर से. Sure. रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है गुरुदेव का, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, एज यू सजेस्ट। मे आई रिक्वेस्ट राजेश कुमार सेलोड जी, द वेरी यंग एंड डायनामिक प्रेसिडेंट डेजिग्नेट, हु इज गोइंग टू take the oath as the president of the Malwa chapter. I will just give a very short and a brief introduction about Rajesh ji. Rajesh ji has been the secretary and vice chairman of and chairman of the Indore branch of ICAI. He had been the vice chairman of Central India Regional Council of ICAI, having 7 states. Presently, he is the president of Rashtriya Jain Minority Organization of Indore. He is a national senior vice president of Shvetambar Jain Social Group Federation. He is also the past president of Jain Social Group Professional University, honorary secretary of Sri Sobhagya Surya Gaushala Trust, state co-convener of BJP Arthik Prakoshtha of Madhya Pradesh, serving many more organizations in different capacities. And I would request you to please come on screen for your oath. राजेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक प्रेसिडेंटशिप की जवाबदारी संभालने के लिए यहाँ भरा है। वैसे तो आप इतने वर्सेटाइल हैं, इतने अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रेसिडेंट की जवाबदारी बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक फॉर्मेलिटीज के लिए एक शोध सेरेमनी हम लोग कर रहे हैं। एक जस्ट सिंपल एक भाषा में आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट को जो आप जो भी आपकी बोर्ड ऑफ गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग होगी उसको आप प्रिसाइड करेंगे, और जो भी वहाँ का डिसीजन होगा वो आपको डिस्कशन करके और उसको एक कहीं पे भी एक रूलिंग अगर देना हो या कहीं पे भी, तो जो भी आप रूलिंग देंगे
वो आपकी फाइनल रूलिंग होगी और आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी कोऑर्डिनेट करके जब भी कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें आप एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, आप और सेकंड जनरल सेक्रेटरी दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। तो जब भी मीटिंग होती है तो वो आप अटेंड करेंगे और जब भी आपकी गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग के अंदर तो नेचुरली आपको प्रिसाइड करना है और उसको संपूर्ण करना है और पूरी कोशिश ये रहेगी आपकी कि मालवा चैप्टर जो आपके कंधों में है वो उसको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक ऊंचाई इसकी ग्रहण करे और एक पूरे एरिया में और पूरे भारतवर्ष में इस मालवा चैप्टर का नाम रोशन होगा। यह ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपके कार्यकाल में काफ़ी अच्छा काम होगा। जिस एनर्जेटिक तरीके से आपने इस पिछले 15 दिनों में इस संस्था को जो संयोजित किया है और जो 125 के से ज़्यादा मेंबर आपने ये 15 दिन में बनाए हैं वो एक काबिल तारीफ है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और एक मैं कोशिश कर रहा था कि गुरुदेव ज्वाइन कर लेते तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन किसी कारण से गुरुदेव अभी तक आए नहीं है। तो हम ये शपथ विधि एक बार पूरी करते हैं तो मैं शपथ विधि कार्यक्रम चालू करता हूँ। जी सर, मैं राजेश कुमार गहलोत तीर्थंकर प्रभु का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन मालवा चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में सेवा आर्थिक उत्कर्ष सामाजिक उत्थान एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए निष्ठापूर्वक कार्य करता रहूंगा तथा संस्था के मार्गदर्शक पूज्य गुरु भगवंत के निर्देशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता रहूंगा मेरा संपूर्ण कार्यकाल जिन शासन एवं धर्म संस्कृति के लिए समर्पित रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद सब जन मंगल आशीर्वाद की कामना। कांग्रेचुलेशन राजेश जी। थैंक यू विवेक। थैंक यू। Now, as we move forward, गुरुजी किसी कारण से अभी भी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, बट विवेक गुरुजी से बात हो गया है, अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। ओके अच्छा, तो रुक जाता है दो मिनट। सेलोज जी को बहुत बहुत बधाई जिनकी धुआंधार बल्लेबाजी से बहुत ही शॉर्ट समय में हमारा मालवा चैप्टर में पूरा बिल्कुल बहुत सक्रियता बढ़ गई है। सब आप लोगों का प्रेम और आपका ऐसा लग रहा है कि इंडिया में सबसे टॉप मालवा चैप्टर करेगा। देखो लेट अस होप गुड। बॉम्बे वालों को डर लग रहा है। अरे सारे भाइयों का सशक्त बॉम्बे वालों का आशीर्वाद है। बॉम्बे वालों का सबका आशीर्वाद है हमारे साथ। आदरणीय अपेक्स प्रेसिडेंट सर, कोचर सर का तो आशीर्वाद ही अपने ऊपर और सबसे ऊपर गुरुदेव है। मैं तो बॉम्बे वालों को बोलता हूँ सावधान हो जाओ, पीछे रह जाओगे। नहीं साहब, हमेशा सर उससे खुशी हमें ही ज्यादा होगी। हाँ। एपेक्स प्रेसिडेंट सर वो क्या है ना, पिता तो पिता ही रहेगा सर, पिता पिता ही रहेगा। क्यों प्रदीप भाई साहब सर कोचर साहब, ये चेलो साहब की खासियत है कि जहाँ भी जाते शिखर को चूमते हो। सही बात है, खासियत है शिखर चेलो साहब की। आप लोगों का सहयोग है तो बिल्कुल होगा। चर्चिल जी मैं तो हमेशा बोलता हूँ कोई भी संस्था में जुड़ो, यू हैव ऑलवेज टू हैव टू रीच टू द टॉप। यही एक अपने में होनी चाहिए कि बस व्हेन आई एम डूइंग समथिंग टोटल सरेंडरशिप बट विद एन एम टू रीच द टॉप, होना ही चाहिए और होगा ही। अरे राजेश जी का जो हौसला है तो वो तो बहुत बुलंद है। आपका आशीर्वाद है राजेश जी, तो करके दिखा देंगे सर। जी राजेश जी तो करके दिखाने वाले सब चीज। यस सर सर आगे बढ़ाएं सर, गुरुदेव का वेट करें या बढ़ाएं आगे? उनसे बात हो गई है, वो 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे थे। एक्सेप्टेंस स्पीच हो जाने दो ना, बाद में नहीं, अभी अभी खासगी वाला जी का शपथ पत्र क्या वाला का पहले कर लेते हैं सर। कर दीजिए ना विवेक भाई, कर दीजिए हां उनका चल लेते हैं। जी चलो मे आई नाउ रिक्वेस्ट
Ashok Khasgiwalaji to please come on screen for administering his oath. I'll give a very brief introduction about Ashok Khasgiwalaji. He is a very senior, reputed, and well-known and a renowned chartered accountant from Madhya Pradesh. He has been in practice for almost 42 years now, and he has also been crowned as the chairman and secretary in the past of the Indore branch in 1991-92. He was also appointed as a PR director by SEBI on the MP Stock Exchange. He was nominated by the Government of India and Ministry of Steel as the only CA member on panel of setting up a dedicated Institute of Finance Steel Industries in India. He has been empaneled as technical reviewer by Quality Review Board set up by SEBI and also an active member of FRRB of ICAI. Not only profession, but he has also proven his dedication towards his religion by being a founder member and secretary of various religious trusts and societies in the past. To name a few, Shri Kunkun Gnan Peet Society, which is maintaining largest library and digitization of Jain Granth and Sahitya, Vice President of Tuko Ganj Jain Samaj Indore, patron member of All India Shrut Samvar Dhani Society MP Chapter, managing member of Chaturmas, wherein 8 Muni Maharaj took Diksha in presence of more than 9,000 people around the country. With this, I would request Ashok ji to please come on screen and start his camera. Gurudev joined, I think. Okay. Just check up. नहीं सर ज्वाइन नहीं हुआ था फोन आया कि चार ज्वाइन कर रहे हैं ज्वाइन किया था उन्होंने अभी देखा मैंने उनको ज्वाइन किया था अभी फिर से ज्वाइन करेंगे विवेक 1+70 करके जो है उनका ओके हाँ ओके गॉट अशोक जी जय जिनेन सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको चेयरमैन के रूप में गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरुदेव खूब भाग्यशाली मंगल मंगल आशीर्वाद बहुत पुण्यशाली खूब धर्म लाभ खूब पुण्यशाली बहुत आनंद बहुत खुशी खूब मंगल हो सदानंद सुख शांता से जी प्रभु बहुत लकी है बहुत पुण्यशाली है जय जीरेन गुरुदेव शपथ विधि चालू है कंटिन्यू करिए चेयरमैन की अभी बाकी है वो आपके सानिध्य में हो जाएगी बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर अशोक जी हाँ सर आपको चेयरमैन के रूप में नामोन्नत किया गया है और एक चेयरमैन के रूप में आपकी जवाबदारी होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रिसाइड करें जो भी और गवर्निंग बोर्ड को एडवाइस करें समय समय पर कि वो जो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके रूप में उनके दायरे में काम करते रहें कभी भी कोई भी तकलीफ आवे तो उनको सहायक करें और इस प्रकार से जहाँ तक हो सके अपने को अपने जो चैप्टर्स को आगे से आगे बढ़ाने के लिए उनकी सहायता करें इसी उद्देश्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो सीनियर मेंबर होते हैं उनका एक गठन किया गया है उसके अंदर आपको चेयरमैनशिप के लिए नॉमिनेट किया गया है तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट है धन्यवाद एक शपथ विधि चालू कर देते हैं मैं अशोक खासगीवाला तीर्थंकर प्रभु का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन के चेयरमैन के रूप में सेवा आर्थिक उत्कर्ष सामाजिक उत्थान एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए निष्ठापूर्वक कार्य करता रहूंगा तथा संस्था के मार्गदर्शक पूज्य गुरु भगवंत के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक पालन करता रहूंगा मेरा संपूर्ण कार्यकाल जिन शासन एवं धर्म संस्कृति के लिए समर्पित रहेगा
दिन शासन एवं धर्म संस्कृति के लिए समर्पित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको एज ए चेयरमैन ऑफ द मालवा चैप्टर, और गुरुदेव का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। दिल से आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, अति पुण्यशाली। अपने उद्देश्य में सफल हो गुरुदेव, बहुत सफल बनेंगे, अद्वितीय कार्यकाल होगा, आपके हाथों से अभूतपूर्व शासन की प्रभावना होगी। दिल से आशीर्वाद है, बहुत उत्तम आत्मा हो, हमें गर्व है। विवेक, यस, कांग्रेचुलेशंस टू द चेयरमैन ऑफ मालवा चैप्टर अशोक जी। सर, एज वी मूव फॉरवर्ड, वी विल वी हैव द एक्सेप्टेंस स्पीच बाय द चेयरमैन अशोक जी एंड फॉलोड बाय प्रेसिडेंट राजेश जी। परम पूज्य गुरुदेव को सादर चरण वंदन। उपस्थित श्री कोचर जी, कापड़िया जी, चाजेर जी, पोरवाल जी, धाकड़ साहब, विवेक शाह और एपीएस के डिग्निटरीज व साथियों, जय जिनेन्द्र। आज बड़े हर्ष की बात है कि परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जेसीएफ मालवा चैप्टर की स्थापना हो रही है। मेरी पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रमोट सोशल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ अवर कम्युनिटी। यह फेडरेशन सीए तो समाज की आर्थिक उन्नति के लिए है। जैसे मालवा चैप्टर रिप्रेजेंट्स अराउंड 14 डिस्ट्रिक्ट, दिस विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। आई वेलकम यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस नोवेल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे मन में अनायास ही प्रश्न उठने लगते हैं कि पहले से इतनी संस्थाएं, सोशल ग्रुप, चैप्टर्स काम कर रहे हैं तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत करी? व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन अवर पर्पस फॉर बीइंग हियर? अवर मिशन एंड पर्पस फॉर विच वी वांट टू अचीव थ्रू द जेसीएफ आर प्रोमिनेंटली द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अवर मेंबर्स बाय कंडक्टिंग सेमिनार, knowledge enrichment, faculty development, and overall development of our members so that they stand distinctly, firmly in the profession. Coupled with this, we shall strive to perform our own spiritual, social, religious development, serving the society at large by helping economically needy persons, giving scholarship, guidance, assistance, fight against social evils, and preserve, maintain, support animals, birds, vegetation, and nature. Through this platform, our mission is to spread networking amongst the Gen CS. Yes, this needs the mutual trust so as to reach benefit and resulting in the horizontal growth of our members. And while pursuing our mission, we will automatically reach to our vision. हम हमारे mission को pursue करते हुए अपने vision की ओर अग्रसर होंगे. Our vision is to become a united force as coordinator, collaborator, and co-owners for its objectives, and to synergize the strength collectively to achieve the purpose of our organization. Friends, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि दुनिया में बिग फोर सीए फर्म का ही बोलबाला है तथा सीए प्रोफेशन का मेजर काम डोमिनेटेड उनके पास में ही है, तो क्यों नहीं इंडियन बिग फोर फर्म या इंडियन बिग फर्म्स बने। आज प्रत्येक क्लाइंट भी ये चाहता है कि उनका काम सब वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, उनको हर सर्विसेज के अलग अलग जगह नहीं जाना पड़े, और एक एवरेज मीडियम क्लास सीए फर्म के लिए आवश्यक संभव नहीं है, लॉजिकली बिल्कुल डिफिकल्ट। इस केस में हमारे को नेटवर्किंग बहुत आवश्यक है, और नेटवर्किंग की फ्रेंड्स हम बात करते हैं तो मेरे मन में ये आता है कि नेटवर्किंग तभी सफल होता है जब हमारा आपसी ट्रस्ट, सामंजस्य, विचारधारा एक ही हो, तो नेटवर्किंग सफल हो। और इसके लिए हम एक ही सोसाइटी, एक ही कल्चर या एक ही विचारधारा के हो तो यह नेटवर्किंग बहुत जल्दी स्ट्रांग और फ्रूटफुल हो सकता है,
जो कि हमें प्रोफेशन में नई हाइट दे सकता है और हम बिल्कुल बड़ी फर्म के हिसाब से या बड़ी फर्म से टक्कर ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में सारे नॉलेज रिसोर्सेस व ज्योग्राफिकल भी अप्रोच होती है। जैसे कि हमारे पहले मीटिंग में ये बात मेंबर्स ने उठाई कि हम दूर छोटी जगह रहते हैं, मफसिल एरिया में रहते हैं, तो हमारे को पूरी जगह काम का समस्या आती है, हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं। हमारे इंदौर जैसे लोगों को बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता के काम के लिए आवश्यकता होती है, तो हम जब जेसीएफ के वहां पे चैप्टर उनके थ्रू कांटेक्ट करें तो हमको काम का देने या लेने में बहुत सुविधा होगी और ये एक बहुत बढ़िया वंडरफुल काम होगा। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हम एनआरआई सीए से भी कांटेक्ट करें, जिससे कि हमारा वर्क बाउंड्रीलेस हो जाए। आज के युग में इंडियन कंपनीज मल्टीनेशनल इंडियन हो रही है तथा मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में अपनी शॉप खोल रही है, इसलिए इस स्थिति में हमको इस मार्केट में रहने के लिए व सक्सेसफुल होने के लिए बाहर भी नेटवर्किंग करना जरूरी है। और हमारे अगर जेन सी एस का हमारा बाहर नेटवर्किंग होता है तो ये एक बहुत ही अच्छा होगा। सो आवर विजन इज टू बी वन बिग सी ए फ्रेटर्निटी ग्रुप इन द वर्ल्ड रिनाउंड फॉर सुपीरियर सर्विसेज, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू स्टार नेटवर्किंग, म्यूचुअल फेथ, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस। सो लेट अस ऑल यूनाइट एज ए प्रोफेशनल एज वेल एज फॉर सोशल कॉज एंड सेलिब्रेट द पावर ऑफ वननेस, दैट इज जेसीएफ। मैं अशोक खाजगियाला अपनी टीम के साथ में कामना करता हूँ कि गुरुदेव के आशीर्वाद से व सभी के आपसी सहयोग, विश्वास व फेस से हम इसे इस देश की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे, जिससे हमारा स्व विकास व सामाजिक विकास होगा। इस उद्देश्य के लिए मैं अपने आप को व अपनी टीम को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू वेरी मच। May I now request Rajesh ji, the president, to please give his acceptance speech. Rajesh ji. Rajesh ji, unmute नहीं किया. Please unmute. मेरी आवाज आ रही है सर? Yes, sir. जी. जय जिनेंद्र साहब. सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र. आवाज आ रही है? जी। सागर के समान गहन गंभीर, चंद्र सूर्य की तरह देदीप्यमान, अरिहंत परमात्मा द्वारा प्रवर्तित अहिंसामय, दयामय, शुद्ध सम्यक धर्म को संपूर्ण मानव जाति और प्राणी मात्र की कल्याण की भावना से विश्व में व्याप्त करने के लिए घोर पराक्रम करने वाले जैन समाज को नई और सही दिशा प्रदान करने वाले कठोर पुरुषार्थी आचार्य शिरोमणि ज्ञान दर्शन चारित्र रत्न त्रयी के धारक और वाहक परम पूज्य गुरुदेव श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहब के चरणों में मैं शत शत नमन वंदन करता हूँ, उनकी सुख सहायता पूछता हूँ। गुरुदेव मथेरंदाशाली। साथियों, जेसीएफ अपेक्स के प्रेसिडेंट, हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय श्री शांतिलाल जी कोचर साहब, मुंबई जेसीएफ के अध्यक्ष श्री प्रदीप कपाड़िया जी, सचिव श्री अमृत पोरवाल जी जो जैन धर्म को प्रवर्तित करने में लगे हुए हैं, पुनीत मेहता जी, आज की ओथ सेरेमनी के मॉडरेटर विवेक शाह जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जेसीएफ मालवा के नव निर्वाचित नव मनोनीत अध्यक्ष चेयरमैन सर अशोक खाजगीवाला जी, बीओडी मेंबर्स मेरे गुरुदेव रहे परम आदरणीय पी आर बंडी साहब, जिनके नीचे सैकड़ों सीए ने प्रशिक्षण लेकर और अपना करियर प्रारंभ कर लिया है, मनीष डफरिया जी जो आयकर कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं और इंस्टीट्यूट में अनेक कमिटीज के मेंबर रहे हैं, विकास जैन जो सीआईआरसी के एक्स चेयरमैन रहे हैं, स्वप्निल कोठारी जी जो कि रेनेसा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और 7 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन और एमडी हैं, जिनके पास लगभग 10,000 विद्यार्थी हैं, ऐसे मेरे भाई स्वप्निल कोठारी जी, वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट जैन समाज के लिए समर्पित सुभाष जैन साहब, ये सारे मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स जिनका साथ
मुझे मिला है। मेरी गवर्निंग बॉडी में वाइस प्रेसिडेंट एक से एक बड़ी हस्ती हैं, नरेंद्र भंडारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जो इंदौर ब्रांच के चेयरमैन रह चुके हैं, प्रोफेशनल यूनिटी के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। दूसरे उपाध्यक्ष राजेश मेहता जी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द टैक्स प्रैक्टिशनर्स के सेंट्रल जोन के चेयरमैन रह चुके हैं, वर्तमान में नेशनल बॉडी में वाइस चेयरमैन हैं। तीसरे उपाध्यक्ष नीरज जैन उज्जैन शाखा ICAI के अध्यक्ष हैं और JCF में लोगों को जोड़ने में पिछले वर्षों में उन्होंने अथक उल्लेखनीय कार्य किया है। नेक्स्ट जो उपाध्यक्ष हैं प्रमोद नाहर जी रतलाम से, वे रतलाम ब्रांच के चेयरमैन रह चुके हैं, बहुत सक्रिय CA हैं और जैन समाज में अनेक संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं। अगले उपाध्यक्ष संकित भंडारी जी, वो अभी इंदौर ब्रांच में सिकासा के चेयरमैन हैं और इंदौर ब्रांच के सेक्रेटरी रह चुके हैं। एक और उपाध्यक्ष बहुत ही सक्रिय सबके चहेते चर्चिल जैन सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ICAI के वाइस चेयरमैन हैं और इसी प्रकार से सेक्रेटरी जनरल दीप्ति जैन जिन्होंने JCF मालवा के गठन में ब्रिजिंग का उल्लेखनीय कार्य किया है जिससे कि इसका गठन जो रुका हुआ था उसका मार्ग प्रशस्त होने में मदद मिली है। मेरे अन्य सेक्रेटरीज आनंद जैन शरद जैन शीतल जैन ट्रेजरर गवर्निंग बोर्ड के सारे मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, इस वेबिनार में जुड़े हुए जो मेंबर्स नहीं हैं वे सभी मेरे CA बंधु समाज के वरिष्ठ जन, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा यहाँ पर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ JCF मालवा पद को स्वीकार करना अधूरा होगा यदि मैं जियो के कुछ लोगों का नाम यहाँ पर नहीं लूं। मैं बहुत ही स्पष्टता से नाम लेना चाहूंगा, आदरणीय राजीव भांडावत जी का, डॉक्टर शरद दोषी जी का, विनोद मेहता जी जो एक्स DGM IO भी रहे हैं, गुरुदेव, इन तीनों ने भी हमें समय समय पर प्रेरणा दी है कि JCF का गठन यहाँ पर जल्दी से जल्दी हो। और गुरुदेव आपका आशीर्वाद देखिए कि पहले सिर्फ इंदौर का ये गठन हो रहा था लेकिन अब पूरे मालवा का गठन हो गया है, यानी लगभग 15 जिले इस JCF में हमने कवर किए हैं। गुरुदेव, मैं यहाँ पर बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि JCF जैन वर्सेस नॉन जैन संगठन नहीं है, JCF मेंबर्स वर्सेस JCF नॉन मेंबर्स भी नहीं है, JCF कोई सांप्रदायिक या राजनीतिक संगठन भी नहीं है, बल्कि ये एक समान आचार विचार और व्यवहार वाले तथा तीर्थंकर देवों द्वारा प्रवर्तित शुद्ध धर्म में आस्था रखने वाले, स्वयं के विकास के साथ साथ सामूहिक विकास में आस्था रखने वाले ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बंधुओं का एक सशक्त संगठन है। बहुत विचारोपरांत ही मैंने संगठन का नेतृत्व स्वीकार किया है और मैं इस मंच के माध्यम से और गुरुदेव की साक्षी में ये प्रॉमिस करता हूं कि इस मंच का उपयोग JCF के प्रत्येक मेंबर, प्लीज नोट माय वर्ड, प्रत्येक मेंबर का ओवरऑल डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा एक्सीलेंस, उनकी एडिशनल अर्निंग्स और उनकी न्यू अपॉर्चुनिटीज का आगाज इस JCF के माध्यम से आप समझिए। मैं मर्सिडीज की बात तो नहीं करता लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि मेरे JCF के प्रत्येक मेंबर के पास एक सेडान कार हो, एक स्वयं का घर हो और एक उसका स्वयं का ऑफिस हो, और इस दिशा में JCF बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। हम प्रत्येक मेंबर के लिए कार्य करने वाले हैं। गुरुदेव आप देखिए, इस संस्था का शपथ विधि हो रहा है लेकिन इस संस्था में आस्था कितनी ज्यादा है लोगों की कि हमारे 150 चार्टर मेंबर बन चुके हैं आज के पूर्व इस मोमेंट पर, जबकि इस संस्था ने कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है और लगभग 150 CA लोगों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। ये न केवल इस संस्था के प्रति उनकी आस्था, उनका विश्वास दर्शाता है बल्कि दूसरी ओर मेरी और पदाधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बहुत बढ़ाता है। मैं बताना चाहूंगा कि JCF का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, JCF की गवर्निंग बॉडी बहुत बैलेंस्ड बनाने की मैंने कोशिश की है। इसमें वरिष्ठ, अनुभवी, ज्ञानवान, विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त भूमिका निभाने वाले और साथ ही साथ युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का समावेश इस बॉडी में किया गया है। गुरुदेव, मैंने JCF प्रेसिडेंट के नाते सबसे चर्चा करके मुख्यतः 6 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ
कि जेसीएफ अगले दो वर्ष में किन छह लक्ष्यों के लिए काम करेगा। नंबर वन, इस दिवाली तक इस जेसीएफ के हम 300 मेंबर गुरुदेव बना लेंगे, कम से कम 300। दूसरा, जेसीएफ मालवा से संलग्न प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, 14-15 जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक सेपरेट उप समिति बनाकर लोकल लेवल पर जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में एकता, संगठन और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज का अवसर दिया जाएगा। तीसरा, जेसीएफ के प्रत्येक सदस्य की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जेसीएफ मिशन में सहभागिता सुनिश्चित रहेगी। चौथा, जेसीएफ के प्रत्येक सदस्य के इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए एक्शन प्लान बनाया जाएगा, उन्हें न केवल लोकल से वोकल बल्कि वोकल से ग्लोबल और सब एक कदम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि गुरुदेव हमारे साथ है तो ग्लोबल से स्पिरिचुअल यानी सिद्ध शिला तक ले जाने का कार्य हम लोग करेंगे। पांचवा, गुरुदेव सबके सर्वांगीण व्यक्तिगत व सामूहिक विकास यानी इंडिविजुअल ग्रोथ भी हम इंश्योर करेंगे और क्यूमुलेटिव ग्रोथ भी हम इंश्योर करेंगे। उस उद्देश्य को लेकर निम्न समितियों का, कमिटीज का निर्माण और उनका कार्य प्रारंभ अगले एक सप्ताह में हम कर देंगे। पहली कमेटी है गुरुदेव जैन स्टूडेंट एंड फ्रेशर सीए काउंसलिंग कमेटी। सेकंड कमेटी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिजनेस इंक्वायरीज सीकर्स एंड प्रोवाइडर्स कमेटी फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। थ्री नंबर कमेटी, जेसीएफ मेंबर्स डिफिकल्टीज एंड सपोर्ट कमेटी, यानी उनकी कोई पर्सनल डिफिकल्टी भी है व्यक्तिगत जीवन में भी परिवार में भी, वो भी जेसीएफ के मंच पे वो रखेंगे। यदि उनको कोई फाइनेंशियल ट्रबल है, कोई मेडिकल ट्रबल है, किसी प्रकार का कोई कानूनी ट्रबल है, वो भी हम जेसीएफ के माध्यम से उनको मदद करेंगे। चौथी फैकल्टी, एकेडेमिक गाइडेंस एंड एक्टिविटीज कमेटी। पांचवी कमेटी, फैकल्टी ग्रूमिंग कमेटी। नेक्स्ट कमेटी, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोलेबोरेशन कमेटी। गुरुदेव ये जरूरी नहीं है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है वो जॉब ही करे या वो प्रैक्टिस ही करे, समय बदल चुका है और मैं अपने सीए बंधुओं से अपील करूंगा कि वो बिजनेस में भी उतरें, वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी उतरें। इसके लिए हमने एक ये रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप कोलेबोरेशन कमेटी बनाई है। सोशल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कमेटी, मैट्रिमोनियल कमेटी, आउट स्टेशन जैन स्टूडेंट्स हेल्प कमेटी, क्योंकि इंदौर एक बड़ा शहर है। और छठा अंतिम उद्देश्य गुरुदेव, जिसमें मुझे आपका विशेष आशीर्वाद लगेगा, कि पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रवर्तित विभिन्न सशक्त संस्थाएं जैसे जियो, जीवो, जेआईवायो, जेडीएफ, जेएएफ इत्यादि में गुरुदेव एक समन्वय स्थापित करके और जेसीएफ के मेंबर्स को उनके साथ नेटवर्किंग में जोड़ना और एक संपूर्ण देश में पूरा ताना बाना बुनना, जो कि आपका ड्रीम है गुरुदेव, उसमें भी जेसीएफ मालवा पूरी तरह से जेसीएफ अपेक्स को सहयोग करेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए अंत में यही कहूंगा कि जेसीएफ का प्रत्येक सदस्य इसमें उत्साह से भाग ले, यदि वो पथ पे तो भी, पथ पे नहीं है तो भी वो बराबर मुझसे कभी भी बिना हेजिटेशन के बात कर सकता है, अपना सुझाव दे सकता है। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आई वुड बी ऑलवेज अवेलेबल एंड आई वुड बी वेरी रिस्पॉन्सिव टू देयर सजेशंस। मुझे विश्वास है कि मालवा चैप्टर पर, मुझ पर गुरुदेव की महती कृपा दृष्टि, मंगल आशीर्वाद हमेशा रहेगा और जेसीएफ अपेक्स और जेसीएफ मुंबई का मार्गदर्शन, सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। आपने मुझे सुना, आप सभी का हार्दिक आत्मीय आभार। जय जिनेंद्र। थैंक यू वेरी मच राजेश जी। एज वी मूव फॉरवर्ड विद द प्रोग्राम, मैं गुरुजी से विनती करता हूँ कि गुरुजी उनके आशीर्वाद और सबको मंगलाचरण सुना। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सबसाहुनम, इसो पंचर मुक्कारो सब पाव पनासनो मंगलानम, सबे सिंपड़मं हवई करम मंगलम श्रीमत सिद्धाच मंगलम ममा मंगलम मुनयो नित्यम मंगलम जिनिशाशनम अंगूठे अमृत वसे लब्धी तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषः प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका।
भव्य आत्माओं, मुझे अपार खुशी और आनंद है। धर्म भूमि वीरों की भूमि और हमेशा विश्व को श्रेष्ठ सर्जन की देन देने वाली मालवा की पवित्र भूमि का आज जैन सीए फेडरेशन के रूप में जो भव्य शुभारंभ हो रहा है उसका मुझे अपार आनंद है और हृदय से मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। परोपकार, विश्व मैत्री और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जैन सीए फेडरेशन का भव्य शुभारंभ काफी वर्षों पहले हुआ था और अनेक क्षेत्रों के अंदर अद्वितीय कार्यों को करने वाला ये जैन सीए फेडरेशन आज विभिन्न ट्रस्टों को, इंस्टीट्यूट को, बजट सिस्टम को, सरकार को और आम नागरिक को अलग अलग प्रकार से सहयोग देने में ये फेडरेशन बहुत कामयाब रहा है। एक एक लैंडमार्क काम फेडरेशन के माध्यम से हुए हैं, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के अंदर चैरिटी कमिश्नर का 2% टैक्स एवरेज पर ईयर का 250-300 करोड़ रुपया जो हर रिलीजियस ट्रस्ट को टैक्स लगता था उसको नाबूद करने का सबसे अहम काम जैन सीए फेडरेशन ने किया। पूरे देश के बड़े बड़े ट्रस्टों को गाइडेंस देकर के उन ट्रस्टों को सही रूप में कानून की व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था का सामंजस्य बैठाते हुए ट्रस्टों की श्रेष्ठतम भूमिका को श्रेष्ठतम भूमिका के रूप में एस्टैब्लिश करने का यश भी जैन सीए फेडरेशन को जाता है। साथ में विभिन्न क्षेत्रों के स्टूडेंट्स जिनको आईएएस आईपीएस बनने के लिए जैन सीए फेडरेशन ने अहम भूमिका अदा की है और अभी गुजरात के अंदर अहमदाबाद और राजकोट के अंदर ये सीए फेडरेशन के माध्यम से जैन सीए और नॉन-जैन लड़के लड़कियों को भी आईएएस बनाने के लिए सुंदर उपक्रम वहां पर शुरू हो चुका है। आज ये प्रसंग पर मैं दिल से आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं देता हूं। इंदौर और भोपाल के अंदर बहुत जल्दी ही वहां पर जैन सीए फेडरेशन और जीओ के माध्यम से वहां के पूरे मध्य प्रदेश के बालक और बालिकाओं को, जिसमें जैन बालक बालिकाएं भी और अजैन बालक बालिकाएं भी, उनको आईएएस आईपीएस आईआरएस आदि और जुडिशरी यानी जज बनने की ट्रेनिंग, ये दोनों उपक्रम भगवान की कृपा से 1 या 1.5 महीने के अंदर शुरू हो जाएंगे और दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर जैन सीए फेडरेशन और ये पूरी पदाधिकारियों की टीम की सबसे अहम भूमिका रहेगी जो देश निर्माण का महत्वपूर्ण आधार होगा। साथ साथ जो बच्चे सीए की पढ़ाई कर रहे और जिनको बॉम्बे के अंदर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं चाहिए या सीए बनने के बाद उनको कोई ना कोई अच्छी फर्म के अंदर जुड़ना है तो उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म आपको अद्वितीय सेवा प्रदान करेगा। और बॉम्बे का जैन सीए फेडरेशन कपड़िया जी जिनके वर्तमान में अध्यक्ष है बहुत सुलझे हुए विवेकी और विद्वान पुण्यशाली है और कोचर जी पूरे एपेक्स बॉडी को इतनी भावना से विनम्रता से सबको दिल में जोड़ करके जो कार्य कर रहे हैं तो बॉम्बे के अंदर पूरे मध्य प्रदेश और मालवा के जो भी सीए बालक बालिकाएं हैं उनके लिए अभूतपूर्व सेवा और व्यवस्था करने का उपक्रम इस फेडरेशन के माध्यम से होगा। साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी किस प्रकार से लोगों को स्वाभिमान पूर्वक सही हॉस्पिटलों के अंदर संपूर्ण क्लेम की प्राप्ति के साथ कैसे इंश्योरेंस के माध्यम से स्वाभिमान पूर्वक श्रेष्ठ इलाज करा सके, वैसी व्यवस्था भी जैन सीए फेडरेशन मालवा के माध्यम से सबको प्राप्त होगा और उसमें सीए फेडरेशन जो पदाधिकारियों को अपॉइंट करेंगे उनके पास वीटो रहेगा। यदि उन्होंने लिख करके दे दिया तो कंपनी को वो क्लेम जो शर्तें बनी हुई है उनके अंतर्गत यदि कोई व्यवधान आया है और फेडरेशन की टीम ने साइन करके कह दिया कि ये नीति नियम के अंतर्गत है तो कंपनी को क्लेम भी देना पड़ेगा। इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था इंश्योरेंस के माध्यम से और भविष्य इंश्योरेंस का है, चाहे कार इंश्योरेंस हो, चाहे मकान का इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ का इंश्योरेंस हो या विभिन्न प्रकार के जो भी इंश्योरेंस हो उसकी व्यवस्था भी जैन सीए फेडरेशन के माध्यम से आयोजित होगी
जियो का पूरा सपोर्ट रहेगा। उसके साथ साथ इंदौर के अंदर बास्केटबॉल स्टेडियम जियो ने वहां की टीम के साथ सहयोग करके और विदेशी विदुषी आर्य साध्वी श्री महिनाक्षी जी महाराज साहब के पवित्र आशीर्वाद से, उनकी पुण्याई से वहां पर बास्केटबॉल स्टेडियम जो नया बना है वो 4 महीना चतुर्मास के लिए और उसके अलावे के 24 दिन शेष काल के अंदर यानी 8 महीने के अंदर बास्केटबॉल स्टेडियम सारी व्यवस्थाओं के साथ निःशुल्क उपयोग में लेने का अधिकार भी जियो को प्राप्त हुआ है। तो उसकी कोई भी स्टेडियम की सुविधाएं कभी भी चाहिए, जैन सीए फेडरेशन का उसमें संपूर्ण अधिकार रहेगा और उसके अंदर वो कोई भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना चाहे तो उसके लिए उनको संपूर्ण सुविधा प्राप्त होगी। उसके साथ साथ बल्क बाइंग का एक अद्वितीय प्रोजेक्ट है, मार्केट जिनके पास है उनके पास सब कुछ है, तो ऐसी कई प्रोडक्ट है जो बल्क बाइंग के माध्यम से, मर्सरीज तो एक एग्जाम्पल है, ऐसी कई चीजें जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के रिटेल चेन स्टोर से उनके साथ टाई अप किया, 30% विजय सेल्स उनका नाम है और उनके साथ भी जियो ने टाई अप किया और जो डिस्काउंट वर्ल्ड में किसी को नहीं मिलता है वो ब्रांडेड आइटमों पर जियो के मेंबरों को प्राप्त हुआ था, वही बेनिफिट जैन सीए फेडरेशन के तमाम पदाधिकारी तमाम मेंबर को प्राप्त होगा और ये व्यवस्था भी उसके अंतर्गत होती होगी। साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए जैन फिलोसॉफी, जैन धर्म का प्रचार प्रसार, उन भूमिकाओं के अंदर भी संपूर्ण योगदान जैन सीए फेडरेशन का रहेगा। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट के अंदर जो जैन अपनी सेवाएं देने के लिए इलेक्शन में आगे आना चाहते हैं उनको पूरा देश हर प्रकार से सहयोग और समर्थन देगा, जिससे इंस्टीट्यूट के अंदर भी ईमानदार और सच्चे देश प्रेमी प्रेसिडेंट बन करके, जैसे प्रफुल्ल छाजर जी, कमलेश विक्रमसिंह जी, एसपी छाजर जी, पूरी लाइन आप देख लीजिए जैन सीए का क्या प्रेसिडेंट का अद्भुत कार्यकाल रहा है। हम सभी को से अपने को सहयोगी बनेंगे तो ये क्षेत्रों के अंदर हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। प्लस अभी सरकार की योजना के अंतर्गत अभी अपने ओम प्रकाश जी अपने मध्य प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उनके पास भी एक डेलीगेशन भोपाल जाएगा, टाइम नक्की कर लेंगे। तो केंद्र सरकार के माध्यम से ये कोरोना के अंतर्गत जो मध्यम वर्ग के व्यापारी है, जो मिडिल और स्मॉल स्केल की बिजनेस और इंडस्ट्री को लेके चलते हैं, उनको कैसे लोन प्रोवाइड की जाएगी उसकी तमाम सुविधा व्यवस्था यहां पर आयोजित होगी और मुझे विश्वास है आराम से 200-500 करोड़ की लोन जैन सीए फेडरेशन एंटायर के माध्यम से बिजनेसमैनों को प्रोवाइड होगी और उसका पुण्य साधर में भक्ति का यश मालवा जैन सीए फेडरेशन को प्राप्त होगा। तो आप बहुत सुलझे हुए पुण्यशाली है, बहुत धर्म प्रिय, बहुत पवित्र और संस्कारी पुण्यशाली श्रावक और श्राविकाएं हैं। तो आज पूरे मालवा चैप्टर को अहोभाग्य है, पर्वाधिराज पर्युषण का मंगलकारी दिन है और ऐसे पवित्र दिन के अंदर ये श्रेष्ठ चैप्टर का शुभारंभ हो रहा है। मुझे विश्वास है ये अनेक सफलता के शिखरों को सर करेगा और पूरी टीम बहुत विवेकी, बैलेंस और सभी संप्रदायों का संयोजन लेकर के चलने वाली ये पूरी कमिटी, पूरे 150 के 150 मेंबर, ये सारे लोगों को तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। आपके परिवार के अंदर खूब सुख शांति रहे, हमेशा आरोग्य की प्राप्ति होती रहे, हमेशा धर्म और अध्यात्म की अभिवृद्धि होती रहे और आपके माध्यम से सेवा के उत्तम कार्य होते रहे, हमेशा सफल बने, यशस्वी रहे और जल्दी से जल्दी परम पद को प्राप्त करने वाले बने, ऐसा आज के दिन हृदय से मेरा सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब खूब धन्यवाद गुरुदेव आपके आशीर्वचन के लिए और आपकी प्रेरणा के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि पर्युषण के दिनों में आपसे, आपके पास आपकी ये मंगलवाणी सुनने का हमें अवसर मिला। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द प्रोग्राम, आई वुड रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट, द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट राजेश जी, फॉर एनी अनाउंसमेंट्स दैट यू हैव फॉर योर चैप्टर। सर
अगले 8 दिन बाद जो है हम ये कमेटी इसका निर्माण घोषित कर रहे हैं और लगभग 10 सितंबर के दिन हम लोग मालवा में जितने जैन समाज के ट्रस्ट हैं, मंदिर ट्रस्ट, स्थाना ट्रस्ट, उपासरे, जो भी ट्रस्ट हैं, उन सारे ट्रस्टों की एक वर्चुअल मीटिंग कॉल कर रहे हैं जिसमें उनको न केवल ट्रस्ट के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के कानून बल्कि इनकम टैक्स कानून, जीएसटी कानून, इन सब कानूनों के जो प्रावधान हैं उनके बारे में उन ट्रस्टियों को अवगत कराया जाएगा और उन ट्रस्टों का यदि गठन नहीं हुआ है उनका गठन कराया जाएगा, यदि उन्होंने माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिया है वो भी उनको गाइड किया जाएगा। इस प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम हम 10 सितंबर को प्लान कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मीटिंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट द सेक्रेटरी श्री आनंद जैन टू प्रपोज अ हार्टफेल्ट वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स फॉर टुडे। थैंक यू विवेक जी। प्रथम पूजनीय परम वंदनीय प्रभु भोपावर के शांतिनाथ दादा को स्मरण करते हुए और हजारों लाखों जीवात्माओं की प्रेरणा के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहब को वंदन करता हूं। मुंबई की जेसीएफ की अपेक्स बॉडी के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री कोचर साहब, हमारे अपने प्रफुल्ल छाजेड़ जी मेरे मार्गदर्शक और रोल मॉडल, कापड़िया जी और अपेक्स बॉडी के विभिन्न वरिष्ठ सम्माननीय सदस्य, नवीन मनोनीत बीओडी चेयरमैन खासगीवाला जी, प्रेसिडेंट सेलोज जी, बीओडी के सदस्यगण, वरिष्ठ सदस्य और मेरे साथियों, मैं सीए आनंद जैन स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे आज इस जेसीएफ मालवा के सचिव के रूप में मनोनीत कर कार्यभार दिया गया। मैं आभारी हूं परम पूज्य गुरुदेव जिनकी प्रेरणा से इस संगठन का बीज रोपित किया गया और आज इस वृक्ष की शाखाएं अलग अलग शहरों में, राज्यों में फैलती जा रही है और इस वृक्ष को बड़ा कर रही है। मैं आभारी हूं कोचर साहब का, कापड़िया जी का, प्रफुल्ल छाजेड़ सर का, पोरवाल जी का, जिन्होंने निरंतर हमारा मार्गदर्शन दिया और इस चैप्टर के गठन का महत्वपूर्ण कार्य किया और आज के दिन अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास किए और हमारे इंदौर शहर के वरिष्ठ गण आदरणीय नरेंद्र धाकड़ जी, विनोद मेहता जी, शरद दोषी जी, आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं जिनका मार्गदर्शन उचित समय पर हमें मिलता रहता है। जैसा कि कापड़िया जी ने शुरू में कहा था कि हम तो अकेले ही चले हैं जानी पे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवा बनता चला गया। मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, कारवा बना है तो दूर तक जाएगा, गुरुदेव का सपना भी जरूर पूर्ण हो जाएगा और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये मालवा चैप्टर जो है पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सभी को आशीर्वाद, धर्म लाभ। मत्थे मंदे में गुरुदेव प्रफुल्ल पुण्यशाली, खूब सफल रहे, खूब मंगल रहे, बहुत आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद, भाग्यशाली, भावी का खूब पुण्यशाली है। जनरल सेक्रेटरी दीप्ति जैन, श्रेष्ठ भावी का आत्मा है, उत्तम पुरुषार्थ करते हैं, बहुत भाग्यशाली सबको जोड़ने वाले भंडावत जी, ग्रेट गुरु जी, प्रणाम। स्वप्निल कोठारी, बहुत भाग्यशाली है, सदा मंगल हो, शुभ हो। गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम। डॉक्टर शरद दोषी, भाग्यशाली हो, जोरदार, जबरदस्त, अद्भुत हुआ, बहुत मेहनत सफल हुई, आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव प्रणाम। नरेंद्र भंडारी,
बहुत भाग्यशाली, आनंद एकदम बहुत पुण्यशाली है। मंगल हो, अच्छे कार्य आपके हाथों से हमेशा होते रहे। रत्नेश जैन आशीर्वाद, आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद, पुण्यशाली। बहुत भाग्यशाली, भावी आत्मा हो, गर्व है हम, आशीर्वाद, आशीर्वाद। महाराज श्री सुकेश जी इंदौर से, बहुत पुण्यशाली, खूब खूब मंगल हो, शुभ हो, सदा आनंद हो, आशीर्वाद। आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, आपके हाथों में यश है, आपके हाथों से उत्तम कार्य होंगे, दिल से आशीर्वाद। साहेब जी आपके साता पूछते हैं, भाग्यशाली, मंगल हो, शुभ हो, पुण्यशाली, खूब आशीर्वाद में है, प्रभु कृपा, देव गुरु प्रसाद, आशीर्वाद। तीन वंदा में गुरुदेव आशीर्वाद चाहिए और शक्ति मिले कि ये कार्यभार जो है उसे पूर्ण कर सके, सफलता जरूर होगा, भगवान की कृपा है, आपके हाथ में यश, आप इतने उत्साही है, इतने मेहनत करते हैं और सबको जोड़ने में आपका अहम योगदान है, आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। नंदन गुरुदेव, माता गुरुदेव, काशी जैन उज्जैन से मंगल आशीर्वाद, अति पुण्यशाली, भाविक आत्मा, नीलेश कोठारी साहब जी, सुख साधा साहब जी, भाग्यशाली हो, मंगल हो, शुभ हो, आशीर्वाद, आशीर्वाद, प्रणाम, नमोस्तु गुरुदेव, दिल से आशीर्वाद, सदा मंगल हो, भाग्यशाली, आशीर्वाद, आशीर्वाद, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, बहुत दिल से आशीर्वाद, मंगल रहे, शुभ रहे, राम गुरुदेव, मथेन वंदा में गुरुदेव, ये पुष्कर जी ने बोला है, गुरुदेव प्रणाम, शीतल जैन इंदौर, बहुत भाग्यशाली, सदा मंगल रहे, आनंद रहे, आशीर्वाद, आशीर्वाद। गुरुदेव की अगर आज्ञा हो तो गुरुदेव आपका मंगलाचरण सुन के फिर ये मीटिंग एंड करें। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शांति। The meeting will now end. I request everyone to start disconnecting. Thank you very much for joining in. Aur Gurudev ka khub khub aabhar. विवेक संदीप भाई, जय जी ने, या अशोक, अशोक जी को मुझे वो बताना था, वो बिग फॉर्म के लिए जो बोल रहे थे, यस वी हैव ऑलरेडी डन लॉट ऑफ पेड वर्क ऑन दैट, बहुत कुछ मतलब भूमि पूजन हो गया है और करीबन लेट मी टेल यू कल ही हमारे 200 मतलब 200 के इंटरव्यू हो गए हैं एंड दे हैव शोन सम इंटरेस्ट एंड वी वुड बी विद इन अ शॉर्ट टाइम नियरली वी आर गोइंग टू हैव 30 चैप्टर्स इन इंडिया एंड 30 तो जी ने बताया कि हमें अब लोकल नहीं, हम वोकल भी नहीं और अभी हमें ग्लोबल होना है, तो वी आर ऑल्सो इन टू दैट, वी हैव स्टार्टेड दैट बॉल रोलिंग एंड वी आर श्योर अशोक जी और आपका साथ होगा तो हम लोग जरूर, वी वुड बी नॉट ओनली लोकल बट वी विल ऑल्सो बिकम ग्लोबल ऑल्सो, और जिस तरह से जो काम हो रहा है वो बिग फोर का बहुत ही जल्दी हो जाएगा मुझे लगता है, so and even people who are there who are really interested I would request them also to really join this and telegram pe join kare and know that what are the things that JCF big four firm is doing, so this was just because Ashok ji ne bataya to maine unko ek do minute ke liye wo information deni thi, thank you very much Vivek, all right, now we will end the meeting now, thank you very much for joining in. Just one more very important announcement. Every morning 9:00, Gurudev Nay Padma Sagar Ji Maharaj Sahib has his pravachan on social media. So please join. Vivek Bhai ne bahut kushal sanchalan kiya aaj ke karyakram ka. Yes. Dhanyawad, dhanyawad, dhanyawad. Aapka aabhar Vivek Bhai. Aapki awaaz bahut zordaar hai. Aur TV mein aana chahiye aapko to. Oh, thank you very much. सर ये एक राजेश जी, ये भी हमारे फैकल्टी डेवलपमेंट का एक बनता है, एक मिशन है, यस यस यस, थैंक यू, कम अप